ये ऊपर से डाल दिया आपने और छोले। इसके लिए तो फूड ब्लॉगरों ने सही धूम मचा रखी है। किसी की दुकान दिखती है छोले कुलचे की, जाके भैया उसकी वीडियो शूट करके आ गए। हम भी तो यही कर रहे हैं। मेरे भाई यार शनिवार का दिन था कि सोचा कि यार कुछ खा लिया जाए। अब खाने का मतलब ये होगा कि सुबह नाश्ता करने का मन था तो शनिवार को चल पड़े हम कहीं घूमने। तो बढ़िया से पाजी के पास आ रखे हैं और वो पाजी जो है ना बढ़िया सी मेकिंग करके दिखाएंगे आपको सारी चीजें। छोला कुलचा नॉर्मल वाले नहीं है, जो भैया नॉर्मल जो छोले कुलचे होते हैं कुलचे वाले होते हैं। अगर किसी को मन होता है खाने का तो भैया लोटन जी के पास जाते हैं, जो कि अपने चांदनी चौक में बड़े फेमस है। हर कोई वहां जाता है भाई, कपड़े लेने जा रखे हो, इलेक्ट्रिक का सामान लेने जाते हो, तो भैया डेफिनेटली हर कोई जाता है लोटन। कोई बड़ी बात नहीं है, दरियागंज में फेमस है। फिर अगर आप कहीं मायापुरी साइड जाते हो किसी काम से, तो लोग कहते हैं कि भैया मायापुरी में अगर गए तो भैया छोले कुलचे वहां भी खाना जरूरी है। मैंने बता दिया कि भैया मायापुरी में लोग खाते हैं, लेकिन यार जो साउथ दिल्ली में रहता है जरूरी थोड़े ना कि यहाँ से उतनी दूर डेली जाना तो पॉसिबल नहीं है। जिस एरिया में हूँ उस एरिया में भैया हम रहते हैं, और साउथ दिल्ली में एक पाजी के पास आ रखे हैं, दो भाइयों की शानदार जोड़ी है। मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि क्यों लोग उनके पास दीवाने हैं खाने को लेकर। मैं आपको दिखाऊंगा कि कुलचा किस तरीके उनके यहाँ बनता है, और लोग सच में पागल है खाने के लिए। तो भैया हम तो सच में है ही पागल, और आप लोग मेरे साथ आज हो जाओगे पागल जब इनकी वीडियो पूरी एंड तक देखोगे। चलो ठीक है। देखो भैया जो मैं कुलचे की जिस चीज की मुझे वेटिंग था ना, वो पाजी मिल कर रखे हैं, और दो भाइयों की जोड़ी है जो भैया कालकाजी में हिट हो रखी है आज के डेट में। तो पाजी आज मेरे को क्या खिलाने वाले? सबसे पहले पाजी प्यारा सा अपना नाम बता दो। मेरा जोहित नाम है। ठीक है। हाँ। आज पाजी हमें क्या खिलाने वाले बता दो। भैया मैं आपको बिया कुलचा खिलाता हूँ, अमृतसर की डिश है ये। अच्छा। और यहाँ पे कालकाजी साउथ एरिया में तो कोई भी नहीं देता। कोई भी नहीं देता। अरे पाजी कैसे आपके दिमाग में आया कि भैया ये वाला कुलचा खिलाया जाए? यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं था यहाँ पे। अच्छा। कालकाजी साइड अपना साउथ इधर कहीं भी, इस करके ये कह सकते हैं कि भाई पाजी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ के लोग खाना तो पसंद करते हैं लेकिन लोग थोड़ा समझदार नहीं थे। समझदार नहीं था, कहने का मतलब ओवरऑल ये है। और पाजी बनते हुए दिखाएंगे, और पाजी तो पाजी बनाना चालू करो और बताते चलना क्या क्या डालोगे। हाँ जी, ये अपना कुलचा होता है। ठीक है पाजी, ये सूजी का है। सूजी का है। ठीक है, सूजी का कुलचा होगा, सिंगल कुलचा होता है इसमें। अच्छा, सिंगल कुलचा जाता है। ठीक है, ठीक है पाजी। ये तेल कौन सा है थोड़ा सा बताओ? ये अमूल ही है जी। ये अमूल ही है। अच्छा, लोगों को भैया फैट और बढ़ा रहे हैं, अगर हल्का फुल्का पतला पना है आपके अंदर तो भैया कह रहे हैं कि भैया ये अमूल वाला खाओ और इससे बढ़िया सा हो जाओ और मोटा। हाँ जी, ये तो भैया इसके ऊपर धनिया नहीं डालोगे बढ़िया सा? अभी आप देखते जाओ। अच्छा ठीक है, करिश्मा दिखाने वाले हो धीरे धीरे। हाँ, तवा होगा गरम, बस एक मिनट लगेगा। तो पाजी ये जो लेके आते हो कुलचा जो होता है, ये मार्केट से फ्रेश लेके आते हो डेली? ये इधर बट्टी है, बट्टी से डेली बनते हैं। अच्छा, तो पाजी आपके डेली के डेली ऑर्डर मांग जाते हैं? ऑर्डर आता है डेली भट्टी से बन के, प्रॉपर सुबह 4 बजे तक ये बन जाता है और 8:30 मेरे पास आ जाता है। ठीक है, बन के ये भैया सेक गया, इसको हाफ डन करते हैं। बस हाफ डन करके देते हो? हाँ, मतलब आधा ही सेकते हैं। ठीक है, पूरा नहीं सेकते। पाजी क्राउड क्या का पाजी, यहाँ क्राउड कैसा आता है? लोकल भी लोकल आता है या दूर दूर से भी आता है जी? अच्छा, कालकाजी एरिया में। ये देखो पाजी जिस चीज का मैं इंतजार था, ये पाजी ने डिप कर दिया। पाजी ये छोले हैं? हाँ। अच्छा, ये अमृतसरी छोले। ठीक है, अमृतसरी छोले। अब ये 30 सेकंड एक मिनट में डिप रहेगा। ठीक है, तो पाजी डिप फ्लेवर आ जाए ना। अच्छा, 30 सेकंड रहेगा, इसके बाद निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सर्व करेंगे। अच्छा पाजी, इसके अलावा आपके पास और क्या क्या चीजें रहती है? मेरे पास कुलचे की 3-4 आइटम है, जैसे अपना भीगा कुलचा हो गया, बटर कुलचा हो गया। ठीक है, बटर गार्लिक पनीर स्पेशल है हमारा यहाँ का। ठीक है, बटर गार्लिक चीज भी है, और साथ में थाली है। अच्छा, थाली रहती है हमारे पास, और क्या नाम है, राजमा चावल, छोले चावल, रायता, ग्रेवी चाप, सब कुछ अवेलेबल। कहने का मतलब कोई बंदा आ गया तो भूखा नहीं जाएगा, ब्रेकफास्ट से लंच तक सब कुछ है। ब्रेकफास्ट से लंच तक की सारी सुविधा आपने दे रखी है। हाँ जी, ठीक है। तो भाजी ऐसा तो नहीं है आपने आदत बिगाड़ दी है लोगों की, लोग अपने घर का खाना नहीं खा रहे, एक टाइम का आपके यहाँ का खाना खा रहे हैं? क्योंकि भैया आपके यहाँ स्वाद भी इतना बढ़िया दिख रहा है मेरे को, और जायका भी सारा आपने रख रखा है। कई लोग तो शिकायत करते होंगे कि भैया बीवी का हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि पाजी ने आदत ही बिगाड़ दी दिन में, इनके घर के यहाँ का खा रहे हैं। कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखो ये सॉफ्ट हो गया। ठीक है पाजी, ठीक है, ये अपने अब छोले डाले, ग्रेवी डाली, ये ऊपर से डाल दिया आपने, और छोले 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 और तरी आती है इसमें। पाजी फुल स्पाइसी रखते हो? ये मीडियम स्पाइसी रहता है। अच्छा, अब जैसे छोटा बच्चा भी खा सकता है, बूढ़ा भी खा लेगा, और मेरे आप जैसा भी इंसान खा लेगा आराम से, जिसमें ऐसे बिक जाएगा। ठीक है, इसमें आएगी चटनी, धनिया की चटनी होती है। ठीक है जी, पाजी ये भी अपने से बनाते हो आप? हाँ, सब कुछ, सब कोई चीज ऐसा नहीं है कि पाजी रेडीमेड मार्केट से खरीदते हो? नहीं, कोई भी रेडीमेड। अपना प्याज आ गया,
ये पाजी डाल रहे हैं हम बढ़िया सा नींबू। ठीक है पाजी, ये आ गया हल्का सा अचार। अच्छा, और आ गया एंड में धनिया। ये रेडी है। ठीक है पाजी दे दो। ये लो आ जाओ। अब देखो भाई पाजी, 30 रुपए मैंने इसके लिए दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट दे दिया। और 30 रुपए पाजी ने क्या क्या नहीं दिया, अपना हरा धनिया दिया है, बढ़िया से छोले को डिप कर रखा। काफी टाइम से ना मेरा ये वाला स्वाद खाने का बड़ा मन कर रहा था। दिल्ली में मैंने बताया कि भैया मैंने खा लिया, ठीक है यार छोले कुलचे हर जगह खा लिया, हर किसी की दुकान का भी कवर कर लिया। और सरदार जी ने क्या करा भैया, 30 रुपए में देखो क्या क्या नहीं डाला, धनिया भी बढ़िया से डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, और बढ़िया से भैया का अचार है। और इसको लेके भी फ्रेश आते हैं तो एक बार टेस्ट करके आपको बता देते हैं, क्योंकि भैया सबसे बड़ी बात है ना, मेरे को देख के काफी सही लग रहा है। मेरे को कहना है ये इसका प्रेजेंटेशन जो है ना काफी अच्छी है, मतलब देखने में जो पहली बात तो इनके आगे इंसान ना आंखों से खाता है कि भाई अगर देखने में अच्छा लग रहा है ना और साफ सुथरा लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है, उसकी खुशबू अच्छी आ रही है, तो आधा आपका मन और बन गया कि मैं डबल और खा लेता हूँ। एक कुलचा खाने है ना दो खा लोगे अगर आपको अच्छा लग रहा है देखने में, तो मेरा मानना है। देखा भाई ये समझदारी वाली काम करते हैं ये पाजी भी, देखो कितना इनका कहने का मतलब, अगर चीजें प्रेजेंटेबल अच्छी होगी ना तो भैया आपका एक की जगह दो खा सकते हो। अब टेस्ट करके आपको फटाफट बताता हूँ कि किस तरीके का टेस्ट हो रहा है। आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार का दिन है तो भैया जय शनिदेव बोल के स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा ना भाई खट्टापन आ रहा है, खट्टापन इसलिए आ रखा है क्योंकि मैंने ऊपर से नींबू डलवा रखा है और स्पाइसी नहीं है। पहले मैं सिर्फ छोले टेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे को ना अमृतसरी छोले खाने का काफी अच्छा मन है। हल्का सा खट्टापन है, शीर का जैसे आमचूर वगैरह डाल रखा है उसमें ना, ऐसा थोड़ा खट्टापन आ रखा है। नींबू का नहीं है मेरे ख्याल से, वो आई थिंक नींबू का नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें ना, भैया ने ना ऊपर से पुदीना वाली चटनी जो होती है ना, गर्मियां आ रखी है तो भैया ने थोड़ा सा खट्टा करने के लिए ऊपर से धनिया वाली चटनी भी डाल रखी है और एक नींबू भी मैंने डलवा दिया था, तो हो सकता है उसके वजह से जो खट्टापन है ना उसके वजह से भैया और अच्छा लग रहा है। आपको अगर खाने का मन है ना और गर्मी आ रख तो काफी अच्छा लगेगा। एक मेरे को भी करने दो। हाँ टेस्ट करके बताओ। लो भाई उल्टा हाथ चलाना पड़ रहा है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत लग रही है। कई लोग कह रहे होंगे भाई टूट नहीं पा रहा, भाई टूट इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि भैया उल्टा हाथ से नहीं उल्टे हाथ से खा रहे हैं। सॉफ्ट काफी है, देखो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे जेली आधे पार रखे ना, देखो बिल्कुल सॉफ्ट है। इसमें हल्की सी मैं वो भी लगा देता हूँ, प्याज भी हल्का, प्याज मुझे बड़ा पसंद है, प्याज खाने का मिल जाए ना इधर तो मजा ही आ जाता है। हर किसी के भाई अपने नखरे होते हैं कि भैया खाने में अपने को ये चाहिए, इन राहुल भाई का ये है कि भैया अपने को खाने में ना, मैं इनके साथ जितने बार खाता हूँ ये कहता है खाना थोड़ा सा कम भी ऊंच नीच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाजी को दे दो आप प्याज उसके बाद इनका मुंह बंद करा सकते हो आप। और दही, बस दही दे दो पाजी का मुंह हो जाएगा बंद। भाई बहुत बढ़िया पाजी, भाई नंबर है टेस्ट में एक नंबर है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं रेटिंग देने के लिए तो कितना दे रहे हो पाजी? 10 में से इनको 8.5 8.5 आराम से मैं पाजी दूंगा 7, बिल्कुल ऑन एन एवरेज से थोड़ा अच्छा है, और जिस तरीके से एवरेज देने की बात है ना तो सिंपल 7 दे दूंगा। पेट भरने वाली चीज नहीं है दोस्तों, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप कालका जी जैसे एरिया में आ रखे हो ना, आपको अगर खाने का कुछ अलग स्टाइल की चीजें खानी है तो आपको मैं मस्ट ट्राई बोलूंगा कि भाई ये आके खाओ, कोई टेंशन नहीं लेना। कम पैसों में 3-4 दोस्तों के साथ अगर पार्टी भी देनी है तो यहाँ आके दे सकते हो, टेंशन फ्री होके स्टाइल में काम करो। हाँ भाई इसको खत्म, छोले के टेस्ट में जीत जा रहा है यार ये। हाँ छोले के टेस्ट एकदम जबरदस्त है भाई, वाली बात है ना भाई। कुलचा तो देखो कुलचे का क्या रूल होता है, कुलचा तो भैया मार्केट से कोई भी बंदा लेके आ जाएगा, लेकिन इसको खास पता है कौन बना रहा है, इसको बना रहा है छोला। हाँ। जो भैया ने छोले अमृतसरी बोल रखे है ना, तो कुलचा तो मार्केट से मैं आप भी जैसे लेके आ जाएंगे और कल को दुकान खोल लेंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे आप जैसे को स्वाद भी तो नहीं होगा ना। हाँ मेरे भाई राहुल भाई एक बात बताओ, 30 रुपए के हिसाब से कैसा लगा, अपने दिल की वाली बात बताना भाई। देखो अगर सिर्फ इसको जज कर रहे हो ना, 10 में से मेरे हिसाब से 8 या 8.5 नंबर आराम से दे सकते हो। अगर आप इस पर 30 रुपए और ऐड कर दे रहे हो कि 30 रुपए का भाई, तो 10 में से 10 है, क्योंकि इस प्राइस में इसकी रेंज में ना आपको कुछ भी इसके बराबरी का नहीं मिलेगा, मेरा मानना ही है। अगर आपको 100 रुपए की रेंज में करोगे तो फिर आपको 9 मिलेंगे, अगर आपको नॉर्मल सिर्फ इसको बिना प्राइस के जज करना है तो 8.5 नंबर भाई। आप भी आओ कालका जी आओगे तो जरूर खाना, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।